अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, बच्चों की शॉपिंग के लिए। तो जा रहे हैं एफएस फैशन स्ट्रीट, जो लोकेटेड है वेटी स्टेशन पर, और हम बाय रोड जा रहे हैं। तो निकल चुके हैं, चलिए हम निकले हैं घर से 4:15 बजे, और देखते हैं कब हम पहुँचते हैं, कितना टाइम लगता है। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहे साथ ही साथ। तो आधे रास्ते हम पहुंच चुके हैं, और ये देखिएगा सूरज का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और हम निकले ही थे शाम के टाइम, ताकि मौसम तो सर्दियों वाला है, बट सर्दी तो नहीं है, काफ़ी धूप रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि शाम के टाइम निकलेंगे तो मौसम ठीक हो जाएगा। और ये रही वो ब्रिज जो बहुत ही गलत थी, गलत रास्ते पर हम पहुँच गए थे, यहाँ पर हमारा सारा टाइम वेस्ट हुआ। और यहाँ जैसे हम ब्रिज से नीचे उतरे, वहाँ पर हमें ये देखिए इन लोगों ने पकड़ लिया था, और हमें फाइन भरनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर बाइक अलाउड नहीं थी उस ब्रिज पर। वहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया कि हम दूसरे वो ब्रिज पकड़ के दूसरे रास्ते पर ही निकल गए थे, और 45 मिनट हम पीछे चले गए। फिर हमने दूसरा मैप वापस से चालू किया, और फिर हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं अभी, शायद हम पहुँचे हैं बाइक वाला शायद, और चलते हैं फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं, कितने बजे पहुँचे, टाइम क्या हो रहा है, 6:39 हो रहा है, और हम लोग घर से निकले थे 4:15 बजे, और 2.5 घंटों की मुश्किलों के बाद पहुँचे हैं। मैं आपको इसका अभी बाहर जाएंगे, मामी का देखते हैं, पहले कुछ पेटे खा भी लेते हैं, फिर आगे की स्टोरी बताते हैं। अब हम चले शॉपिंग करने, और यहाँ पर हम आ तो गए थे कि कुछ यूनिक आया होगा, कुछ न्यू आया होगा यहाँ पर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जितनी दुकानें थी, हमने सारी दुकानों पर देखी, जो 2 साल पहले हम लेकर गए थे वही सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी, कुछ न्यू आया ही नहीं, कोई न्यू पैटर्न नहीं, डिज़ाइन नहीं, सारी चीज़ें वही थी। तो हमारा मूड हो गया ऑफ वहीं पर, और आपको दिखा दो कितनी बड़ी मार्केट है, आप देख सकते हैं। आप गए भी होंगे कुछ लोग, देखिए कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, बट हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो हमें वापस इतना टाइम लगा था, 4:15 बजे निकले थे, 6:39 को वहाँ पहुँचे, इतना रास्ते का टाइम वेस्ट हुआ, और फिर वहाँ पर कुछ मिला भी नहीं, तो हमें आना पड़ा रिटर्न। फिर उस टाइम तो हमने कुछ खाया नहीं, तो हमने सोचा था पहले शॉपिंग कर लेते हैं फिर खाते हैं, और फिर कुछ मिला नहीं, फिर भूख लगी, तो हम चले गए एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर कुछ खाया पिया, और फिर उसके बाद फिर वापस निकल गए घर के लिए। बस यही छोटा सा ब्लॉग था, कुछ भी खास नहीं हुआ, सारा मूड ऑफ हो गया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे शॉपिंग के लिए, अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं, और सब ओल्ड ही था, कुछ नहीं यूनिक होता था शायद लेके भी, बट कुछ वैसा था नहीं। और मुंबई में बिल्डिंगें बड़ी अच्छी है, देखो कितनी ऊंची है। एक तो बिल्डिंग पता है ऐसी थी, उसकी तो वीडियो मैंने लेने भूल गई क्या, मतलब जब तक मोबाइल निकाली, जब तक हम आगे निकल चुके थे, वो बिल्डिंग इतनी पतली थी और इतनी लंबी थी, ऐसा लग रहा था बस हम यहाँ से घुसेंगे वो हमारे ऊपर ही गिर जाएगी। कलाकार होते हैं आजकल के डिज़ाइनर जो भी होते हैं। तो हम पहुँच गए हैं, मुंबई जाते हैं, घर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।